बात न्यूजीलैंड स्टडी वीजा की करेंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज स्ट्रिक्ट हो रही है थोड़ा थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या फिर जो एक बार रिफ्यूज़ल जिस स्टूडेंट को मिल जाती है वो रीअप्लाई नहीं कर सकता, तो इस सब में न्यूजीलैंड उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन आज के टाइम में देखी जा रही है। तो काफ़ी बातें आपको क्लियर करेंगे न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर, और न्यूजीलैंड स्टडी वीजा को लेकर ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गुल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, आज न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा की जैसे हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं ज़रूर पहले तो यही बात करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाते, चाहे कि रिफ्यूज़ल एक कारण बन गया हो या फिर एक साल से ज़्यादा का डिले पड़ चुका है, ये रीज़न हो, उनके लिए हम कैसे न्यूजीलैंड को एक अच्छी ऑप्शन मान सकते हैं? हरजोत, मैं तो न्यूजीलैंड को खुद भी एज ए स्टूडेंट अगर मैं होंगी तो मैं सबसे अच्छी ऑप्शन मानूंगी। जी। एक कंट्री जो आपको वीज़ा नहीं दे रहा है, दूसरा कंट्री की कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये कंट्री ने आपको बड़ा बैलेंस्ड वीज़ा दिया, कभी बहुत ज़्यादा नहीं दिया, कभी बहुत कम नहीं दिया। और फीस आफ्टर वीज़ा जाती है, आपको खाली एक मेडिकल और PCC देना है जिसके बेस पर फाइल लगती है। कंट्री के अगर देखें एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है और ब्यूटीफुल एज इट इज़ के आप अगर देखो तो नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि यू विल बी सरप्राइज कि इससे ब्यूटीफुल कंट्री नहीं हो सकती। तो ऐसी कंट्री में हर स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा, एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी बहुत अच्छा है इनका। आप देखो कि अगर मास्टर्स कोर्स के लिए बच्चा जाता है, लेवल 8-9 के लिए अगर बच्चा जाता है तो स्पाउस को साथ लेके जा सकता है, अपनी फैमिली साथ लेके जा सकता है। कुछ मास्टर्स इतने अच्छे डिज़ाइन हुए हैं कि 1.5 ईयर में 2 ईयर्स का प्रोग्राम आपका खाली 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है, एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 3 ईयर्स का मिल रहा है। तो आप देखिए कि सारे प्लस पॉइंट्स हैं। IELTS को इतना स्ट्रिक्ट नहीं कि आपको 7 बैंड चाहिए नॉट लेस देन 6.5 या 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड में भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। अब यहाँ पे ये नहीं कि एक पर्टिकुलर कोर्स में ही आपको जो है एडमिशन मिलेगी अगर आप वीज़ा सेट ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाते हो, क्योंकि फ़ीस आफ्टर वीज़ा जाननी है, प्लस पॉइंट ये है। हाँ, खाली स्टूडेंट को जो दिक्कत आती है वो हाउ मच फंड दे हैव टू शो। तो इनका थंब रूल है फर्स्ट ईयर का जो है आपको 6 मंथ ओल्ड दिखाना है। अब 1 ईयर फीस मान लीजिए, मैं एक एवरेज इंस्टीट्यूट की बात करूं तो $25,000 पर एनम है, या 25,000 में भी वी कैन ऑफर यू द इंस्टीट्यूट। और $20,000 आपको दिखाना है लिविंग एक्सपेंसेस, तो $45,000 आपको 6 मंथ ओल्ड दिखाना है, मतलब 24-25 लाख रुपये आपको 6 मंथ ओल्ड दिखाना है। अगर 6 महीने का जो कोर्स आगे का है उसकी फीस मान लीजिए और $10,000 एक्स्ट्रा है, तो वो आप फ्रेश भी दिखा सकते हो, लेकिन आपकी इनकम 12 से 15 लाख हम एडवाइज़ करते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि इनकम थोड़ी स्ट्रांग देखते हैं। ये नहीं कि आपने 2-2.5 लाख की ITR भरी है और उसमें आप अप्लाई कर दें, इनकम थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और आप ये, और सबसे बड़ी बात कि सारा कुछ जब वीज़ा अप्रूवल आ जाता है देन यू हैव टू पे द फी, देन यू हैव टू पे वट एवर द अमाउंट जो भी उन बोला जाएगा। तो वीज़ा से पहले आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो। हाँ, लेकिन अंडर ग्रेड कोर्स में फैमिली को नहीं लेके जा सकते। अंडर ग्रेड कोर्स आपका 3 ईयर्स का भी हो सकता है, और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं 2 ईयर्स के भी हो सकते हैं। तो उनके लिए IELTS रिक्वायरमेंट एज यूजल 6 बैंड और 5.5 स्टूडेंट दे सकता है। जी ठीक है, तो ये देखो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैम ने आप सभी को गाइड किए हैं। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं हम न्यूजीलैंड अप्लाई करें या ना करें या क्यों हमें अप्लाई करना चाहिए, इन सभी का सभी सवालों का जवाब आपको ज़रूर मैम ने दे दिया है। मैम ज़रूर इनटेक्स को लेकर भी आप ज़रूर क्लैरिटी दीजिए, जो स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कब उनको अप्लाई कर लेना चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम कितना रहता है और किन किन बातों का ध्यान भी स्टूडेंट्स को ज़रूर रखना चाहिए। इंटेक जो है मई इंटेक है अब बच्चों का, मई के बाद सितंबर है। तो आप जो है मई इंटेक के लिए अभी अप्लाई करेंगे, आपकी जो है उसके बाद PCC होएगी और मेडिकल होगा। फंड्स आप लोन के लिए, हाँ लोन जो है
वो अनसिक्योर्ड नहीं चलता, सिक्योर्ड लोन चलता है। मान लो कोई बैंक है जो आपका सिबिल स्कोर और ये देख के लोन कर देते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन न्यूजीलैंड में अभी चल रहा है, बीच में ले रहे थे, लेकिन अभी ये कंसर्न आ रहे हैं कि लोन सिक्योर्ड ही लोन ही चाहिए। तो दैट मीन्स कोई प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आप लोन ले सको। बाकी स्टूडेंट्स का रहता है ग्रीन लिस्ट के कोर्स हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, ग्रीन लिस्ट के कोर्स हैं तो अच्छा है, नहीं भी हो तो कुछ कोर्सेज जिनमें बहुत शॉर्टेज है और आप जाके करते हैं और साथ ही आपको जॉब मिल जाती है, फिर आपको ग्रीन लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को ज़रूर मिला है आज की वीडियो के ज़रिए। फिर भी कोई सवाल है आपको अपनी प्रोफाइल को लेकर और उसके अकॉर्डिंगली आप सही ऑप्शंस चूज़ करना चाहते हैं और आपको अभी भी कुछ बातें अगर क्लियर नहीं हो रही हैं, तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये सारी जानकारी न्यूजीलैंड को लेकर आपने बहुत खास खास पॉइंट जो है स्टूडेंट्स को बताए हैं आज की वीडियो में। इसी तरह से आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।